Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, क्या हमको जर्ली जो कि हमारे LA Knight है guys, क्या वो हमको possibly Roman Reigns को face करते हुए देख सकते हैं for the undisputed WWE Universal Championship? जैसे कि हमको पता है कि Roman Reigns के पास undisputed Universal Championship पिछले 3 साल से है और ये रेन में Roman Reigns ने almost पूरे roster के हर एक स्टार को face किया है। और सेंस अभी रोमन रेंस के पास थोड़ी चैलेंजेस की कमी हो रही है, तो क्या हमको LA Knight फेस करते हुए देख सकते हैं रोमन रेंस को? क्योंकि रीसेंट के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमारे LA Knight को कन्फ्रंट किए थे हमारे पॉल हेमन, तो क्या ये चीज हमको हिंट कर रही है कि हमको रोमन रेंस वर्सेस LA Knight की फ्यूड दिख सकती है? तो गाइस बात ऐसी है, जो LA Knight की जो पॉपुलैरिटी है गाइस रीसेंट में इतनी बड़ी है ना गाइस, समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। कैसे नहीं मुझे कैसे आ रहा है, तभी LA Knight ने डेब्यूट किया था, मुझे ये कैरेक्टर इतना पसंद नहीं आता था। एक ही साल के अंदर गाइस ये बंदे ने गाइस हम सबका दिल जीत लिया है। गाइस हमको लगता है LA Knight गाइस एटलीस्ट एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के मटेरियल भी है, क्या इसके वजह से भी वो रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर हो सकते हैं? सो गाइस अभी डेफिनेटली अगर रोमन रेंस को हम देखते तो डेफिनेटली LA Knight वर्सेस रोमन रेंस एक अच्छी फ्यूड तो रहेगी। लेकिन अभी जो रोमन रेंस का जो अभी लेवल है ना गाइस, वो लेवल अभी इतना बढ़ गया है कि गाइस LA Knight को पहले तो गाइस वो लेवल ही गाइस जाने तक थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। और मुझे लगता है LA Knight गाइस वो लेवल को पहुंचने के लिए इतना जल्दी वो लेवल तक पहुंच सके तो लेवल रोमन रेंस का है। और सेकंड चीज का शायद जरूर ऐसा कर सकती है क्योंकि वो LA Knight को रॉयल रंबल मैच जीता के रोमन रेंस के सामने डाल सकती है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या हमको पॉसिबली LA Knight वो बंदा होते हुए देख सकते हैं जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करते हुए देख सकता है, तो LA Knight की जो कि एज है गाइस वो अभी सिर्फ 40 ईयर्स है गाइस। और मुझे नहीं लगता गाइस जरूर गाइस ऐसे बंदे में इन्वेस्ट करेगी जो बंदा गाइस अभी 5-6 साल में रिटायर होगा। गाइस रोमन की जो इतनी बड़ी रेन रही है गाइस, वो ऐसा बंदा खत्म करना चाहिए जो कि गाइस बहुत ही यंग रहेगा, ऐसा गाइस 20 नहीं तो 25 साल का बंदा। और उसके बाद मुझे लगता है LA Knight वो बंदा होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैच होता तो रोमन रेंस से हमको जीतते हुए देखने वाले। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।